ये टॉप बना और ये बॉटम पहले से था, ठीक है, और ये एक बॉटम बना, फिर ये स्टॉक यहाँ से टर्न अप हो रहा है, तो मेरे को दिख रहा है साफ साफ कि ये अगर मैं एक इसकी ट्रेंड लाइन बना दूँ और इसी के पैरेलल एक ऊपर भी ट्रेंड लाइन बना दूँ तो मेरा अगला टारगेट इसका टॉप है। अब देखिए ये डिफाइंड नहीं है पॉइंट, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे इसी वक्त अगले दिन टच कर सकता है या हो सकता है अगले 10 दिन लगा दे यहाँ पे टच हो, बट मेरे को एक चीज़ बताए कि यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को जब भी छुएगा मेरे को बेचना है, मतलब निकल जाना है, शॉर्ट नहीं करना बट मेरे को निकल जाना है। शॉर्टिंग और नॉन शॉर्टिंग को हम अपने मेथड से देखेंगे कि करना क्या है, वो हम इसके बेसिस पे भी देख सकते हैं कि ये बढ़ा इतने दिन और गिरा ज़्यादा ज़्यादा दिन और तब भी उसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो क्या हमको शॉर्ट करना चाहिए, हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, चैनल आपने सर पहले कभी बनाया, इसलिए मैं चैनल थोड़ा ज़्यादा पैसे बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है स्टॉक्स में कि एक चैनल से काम नहीं होता, एक ट्रेंड लाइन से काम नहीं होता, बहुत बहुत बनानी पड़ जाती है, जैसे कि ये स्टॉक गया, ठीक है, अब देखिए ये ट्रेंड लाइन जो मैं बना रहा हूँ इसने इसको टच किया, निकल गई यहाँ से, मगर ये इसने टच नहीं किया, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं नई ट्रेंड लाइन बनाऊँगा और वो ट्रेंड लाइन क्या करेगी, इन दोनों पॉइंट को टच करते हुए निकलेगी, वो ये करेगी। अब ये ट्रेंड लाइन आगे बढ़ते हुए मेरे को एक पॉइंट बता रही है, उसके नीचे अगर ये आया तो खतरे की घंटी है, वहाँ से निकल लेना, या अगर रॉन्ग भी करना है तो उसी पे ही कर लेना, यहाँ तक आने का वेट मत करना, तो अब वो आएगा नहीं आएगा नहीं पता, बट वो नई ट्रेंड लाइन आपको बनानी पड़ेगी। इसी की जगह ऐसा भी होता है, ये जो था ट्रेंड लाइन तो बनी थी, ये आया और इसने यहाँ पे साइडवेज कुछ मूवमेंट करी या और थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा और नीचे आ गया और यहाँ से बढ़ा, ठीक है, तो अभी अपनी ट्रेंड लाइन जो थी वो पहले तो यहाँ से जाकर के ऐसे निकल गई थी, बट अब इसको रिवाइज करना पड़ जाएगा, अब रिवाइज होगी और क्या बन जाएगी, अब बन जाएगी वो नई ट्रेंड लाइन, ये पिछली वाली जो थी वो ऐसे सीधे निकल रही थी, उसकी जगह अब ये ऐसे हो जाएगी, और जितना ज़्यादा ऐसा कुछ होता जाए आपको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड लाइन का कोई एक सिस्टम नहीं है। अच्छा और चीज़ बताता हूँ कि लोग क्या करते हैं कभी कभी, जैसे कि ये मेरे को एक दिख रहा है, ये टॉप बना, ये टॉप बना, इसके बेसिस पे मैं ऊपर से टॉप टू टॉप कनेक्ट करते हुए ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ, ठीक है। असली में लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, वो इसको भी मिला देते हैं और फिर वो यही सोचते हैं यही एक चैनल है, जबकि होता क्या है कि आप अगला जो मूव आप जाने वाला है वो इस बेसिस पे भी प्रेडिक्ट कर सकते हो इस वाले ट्रेंड लाइन, जबकि इस वाले ने इसको तोड़ा है कोई बात, अगर ये जाकर के एक बार इसको टच कर सकता है और ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्या बताऊँ आपको, एक और चैनल का मेथड है जिसमें कि स्टॉक अपनी पावर खोता